अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 7 और हम अभी जग गए हैं बहुत ही सुबह जल्दी, क्योंकि मुझे जाना है आसनसोल। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और मेरा गेट पास बनने वाला है स्टील प्लांट के लिए। सो गाइज, मुझे वहाँ पे 10 बजे तक पहुँचना होगा। तो सबसे पहले अभी नहा लेते हैं क्योंकि बाल भी ड्राई हुई है काफ़ी ज़्यादा, और जल्दी से नहा लेंगे तो फिर 10 बजे तक हम शायद पहुँच जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में बच्चे कुछ दिख रहे हैं। अभी तो धूप नहीं हुई है, फॉग थोड़ा दिखने को मिल रहा होगा आपको। तो अभी फ़िलहाल धूप नहीं हुई है, लेकिन मुझे तो जाना होगा, सो जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो गैस निकल चुका हूँ और अभी मैं जाऊँगा, लोकल गाड़ी मुझे करना होगा। फिर मुझे 3 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना होगा, तब जाके वहाँ से वॉल्वो मिलेगी, जहाँ से ये 35 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ेंगे। तो लगभग मिला के 1 घंटा लग जाएगा मुझे जाने में, और तब जाके मैं आसनसोल जो है वो पहुँच जाऊँगा। तो फिर वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या करना होगा, कैसे गेट पास वगैरह बनाना होगा। फ़िलहाल अभी मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखा है और धूप भी आप देख सकते हैं कि अच्छा मौसम है, मतलब ठंड कम है। फाइनली मैंने ऑटो ले लिया और यहाँ से मुझे अब 3 किलोमीटर अप्रॉक्स जाना होगा, तब जाके मुझे जो है वो वॉल्वो मिलेगी और फिर मैं वहाँ से जाऊँगा। फाइनली मैंने बस स्टैंड जो है पहुंच गया, और ये हमारे पीछे जो वॉल्वो लगी हुई है ये कोलकाता जाने वाली है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। मुझे ऐसा पता चला कि 20 मिनट्स आई थिंक लग जाएंगे वॉल्वो आने में, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर देखते हैं कब तक वॉल्वो आती है। ये रही वॉल्वो गाड़ी, बहुत यार लेट करा दी, पूरा टाइम शेड्यूल ख़राब करके रख दिया। लगभग मुझे 30 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा, तब जाके ये फाइनली अभी गाड़ी जो है बस स्टैंड पहुंची है। तो फाइनली हम पहुंच गए आसनसोल, लगभग 35 मिनट्स हमें लग गए आसनसोल आने में। अब चलते हैं डायरेक्टली प्लांट और वहीं पे दिखाते हैं क्या क्या गेट पास के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I want you to open your door in the morning. Said that it wasn't planned. यार यहाँ तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, और थोड़ा देखते हैं, टाइम लगेगा, 20 या 25 आदमी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फाइनली यार गेट पास बन गए आज के डेट में, और यहाँ पे देखो हमारे फ़ोटो लगा हुआ है, और अब हम यहाँ एंट्री लेने वाले हैं। पहुँच गए हम अपने घर, और अभी हम आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये हमारे कैंपस में मस्जिद है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, ये मस्जिद है, और ये बगल में आपको मंदिर दिख रहा होगा।
तो एक ही बिल्डिंग में मस्जिद मंदिर ये दोनों चीज़ है, तो ये एक अच्छा ब्रदरहुड का कहीं ना कहीं चीज़ें जो है एक अच्छा मतलब संकेत है। तो हम जहाँ रहते हैं तो इस कॉलोनी में एक हॉस्पिटल भी है देखने को आपको मिल जा रहा होगा बैक साइड में। तो ये अभी ड्यूटी टाइम ऑफ है, बहुत सारे लोग रोड पे आपको देखने को मिलेंगे। और अभी 7:20 हो गया है और मैं सुबह में ही अपना वीडियो शूट किया था, तो मुझे वहाँ से आने में बहुत ही वक्त लग गया, लगभग 7 से 8 घंटा लग गया मुझे आसनसोल से आने में। तो बहुत ज़्यादा आज टाइम लगा। और अभी हम मस्जिद आ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ पे वज़ू करेंगे। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे वज़ू करना होगा, और ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपको व्यू दिख रहा होगा, अच्छा सा पार्क है बैठने का, वहाँ पे आपको बैक साइड में चेयर भी दिख रहा होगा। तो पहले हम वहाँ पे बैठेंगे 10-15 मिनट, वहाँ पे वीडियो एडिट करना मेरे को, और वहाँ से अगर मैं वीडियो एडिट कर लेता है तब तक मेरा वक्त हो जाएगा नमाज़ के लिए, तो फिर हम नमाज़ के लिए चले जाएंगे।